कहां से छेड़ूं फसाना, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं, आज कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत सालों के बाद आज मुलाकात हो रही है। लेकिन आपसे मेरा प्यार का रिश्ता कायम और दायम है, उस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया, और वो प्यार मोहब्बत वो खुलूस जो मैं आपके चेहरों से देख रहा हूं, जो आपकी आंखों से देख रहा हूं, मुझे उस पे नाज है, नाज। ये मेरा और आपका रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है, और ना आपने कभी मुझे धोखा दिया, ना नवाज शरीफ ने कभी आपको धोखा दिया। जब भी मौका मिला बड़े खुलूस के साथ आपकी खिदमत की, जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए, और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए, ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा, मुझे ये बताएं कि कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है, कौन है? भाई हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं, हमने तो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया अल्लाह के फजल व करम से, हमने एटमी ताकत से महरूम नहीं किया, हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजल व करम से, और हमने लोड शेडिंग खत्म की, लोड शेडिंग शुरू नहीं की। लोड शेडिंग 2013 में अरूज पर थी, आपके घरों में बिजली नहीं आती थी, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, याद है या नहीं याद है? किसने खत्म किया लोड शेडिंग को? एक अजाब था, अजाब, और हमने उसको खत्म किया। बिजली मैंने तो महंगी नहीं की, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की, नवाज शरीफ ने सस्ती की, नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजल व करम से, और उसको सस्ते दामों अवाम तक पहुंचाया। ये है वो, मैं बिल साथ लेके आया हूं, बिल मैं साथ लेके आया हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं
एक मिनट सुन ले। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको फरामोश कर सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ दर्द दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। आप जानते हैं, ये जो कारोबार है, जिंदगी के अंदर इंसान की कमाई है, माल है, ये चला जाता है फिर आ जाता है अल्लाह के फजल करम से। लेकिन जो लोग जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालदा, मेरी बीवी कुलसुम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसुम फौत होती है तो मुझे कहां इतला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इतला मिलती है। पूछो उस जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से पूछो। मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। देखो, मुझे अभी खबर मिली है, मैं अदालत से आ रहा हूं और वहां तो मुझे किसी ने बात नहीं करने दी, लेकिन ये बताया गया है कि वो दोबारा आईसीयू में चली गई हैं। भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये मैं जेल के अंदर की बात कर रहा हूं, अडियाला जेल। वो सुपरिटेंडेंट भी है, शायद वो आज जलसा देख रहा होगा, मेरी गुफ्तगू सुन रहा होगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात करा दो, लंदन में मेरी बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो, मेरे छोटे बेटे से बात करा दो। मैं पूछना चाहता हूं कि किस हाल में है। मेरी बात उसने नहीं कराई। मैंने कहा देखो, तुम्हारे मेज के ऊपर दो दो फोन पड़े हैं, ये दो मोबाइल पड़े हैं, ये दो लैंडलाइन पड़ी है। यार, तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा हमें इजाजत नहीं है। मैंने कहा तुम्हें इसके लिए किससे इजाजत लेने की जरूरत है, तुम्हें किससे इजाजत दरकार है? उसने कहा नहीं जी, हम नहीं करा सकते। मैं उसके कमरे से उठ के अपनी कैद खाने में चला गया, दोबारा वहां सेल में। इतना सा सेल था, चारपाई मुश्किल से वहां पे पूरी आती थी, चारपाई मुश्किल से वहां पे आती थी, और एक छोटी सी कुर्सी थी
जहां कभी मैं उठ के बैठ जाता था वहां चला गया। सोचता रहा कि यार ये बात कराना भी इतना मुश्किल काम था उसके लिए। ढाई घंटों के बाद उसका नंबर टू बंदा जो है वो मेरे पास आता है और आके कहता है कि एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए, आपकी बीवी कुलसुम अल्लाह को प्यारी हो गई। बात नहीं कराई, ढाई घंटे के बाद आके मुझे खबर देता है कि आपकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है और हम अब जा रहे हैं मरियम की तरफ और उसको इतला करने के लिए। मैंने कहा हरगिज मत जाना उसके पास, उसको या तो मेरे पास लाओ यहां पे या मैं जाऊंगा। बैठी है, पूछ लें, ये खड़ी है यहां पे। इसका सेल कुछ फासले पे था मेरे सेल से, लेकिन हमें मिलने की इजाजत नहीं होती थी। हमारी मुलाकात एक हफ्ते में सिर्फ एक घंटे के लिए होती थी, एक हफ्ते में, और पास पास होके एक एक हफ्ता हम नहीं मिलते थे। तो कहने के मैंने कहा मुझे साथ ले जाओ, मैं जाके इसको बताया। ये बिल्कुल बेहोश हो गई और मेरे गले लग के रोना शुरू कर दिया। भाई भाई बेटा बैठ, बस बस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको जाके जब बताया तो क्या गुजरी होगी इनके ऊपर, क्या सोचा होगा कि ये हमारा अपना मुल्क है। भाई अपना मुल्क है, मैं भी इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मैं भी एक सच्चा पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे सीने में है। मुझे याद आ रहा है अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें बहुत जोरदार तरीके से कह रहा था कि आपने आईटी में धमाके नहीं करने, और दुनिया के बाकी लीडर भी रोज मुझे कई कई लीडरों के फोन आते थे कि आपने धमाका नहीं करना, हिंदुस्तान ने कर दिया लेकिन आपने नहीं करना। और फिर कहने लगे हम पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। आपको मालूम है कि आज इमरान खान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वो फर्क मैं मलहूज़े खातर रखना चाहता हूं, जो मेरी ग्रूमिंग मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं, मैं ऐसा नहीं करता। ये मुल्क मुश्किल से निकालो। आपने मेरे साथ मिलकर अभी एक दो मिनट में दुआ करनी है, आपने मेरे साथ मिलके दुआ करनी है आपने, और उम्र के इस हिस्से में मेरी आरजू है कि मैं एक बदला हुआ पाकिस्तान देखूं। मैं आज यहाँ आपको जगाने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? अपने मुंह से कहें क्या करने आया हूँ? आपको जगाने आया हूँ। आगे बढ़ो और पाकिस्तान को संभालो, और आइंदा किसी को इजाज़त ना देना कि आपके मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर सके, आपके मुल्क के साथ ये सलूक कर सके। मैंने आज बहुत जब्त से, बहुत पेशेंस से, सब्र से
मैंने आज काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूं कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज आप मेरे साथ दुआ करें। एक तो अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद करें, हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं, उन पे जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है, हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं। मेरे साथ मिलके कहो, हम हर तरह से उसको रद्द करते हैं, बोलो रद्द करते हैं। और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज़त हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए। और उनका हक उनको मिले, वो भी चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। उनको हक से महरूम करना और उसका हक किसी और को दे देना, ये बहुत बुरी बात है, इसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा, पाकिस्तान के अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। बोलो मेरी इस बात के साथ इत्तेफाक करते हो? मेरे साथ, मैं आज मैंने कहा सोचा, मैंने आज सोचा कि मैंने कभी किसी की गाली का जवाब गाली से नहीं देना। मैं आपको भी यही कहूंगा, गाली का जवाब गाली से नहीं देना। अपने नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप मिल्लत के मुकद्दर का सितारा हैं। अपनी जिंदगियां मनफी कामों में गुजारने के लिए आप नहीं हैं। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरे साथ मिलके कहो, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन, अगला जुमला आइए नहीं, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन, फिर से, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोबारा तामीरे नौ करेंगे पाकिस्तान की मेरे साथ मिलकर, बिजली के रेटों को कम करेंगे मेरे साथ मिलकर, बिजली के रेटों को मेरे साथ मिलकर कम करेंगे, डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, मोटरवेज बनाएंगे, फिर तो सत्य खैर है, सत्य खैर है। जब काम पे वक्त और हमारा मुस्लिम नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं, अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतज़ाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़रात की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को आईटी पावर बनाना है, आईटी पावर इंशाल्लाह। इंसाफ के निज़ाम को इस्लाहात लेके आनी है वहाँ पे, और नौजवानों और ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी इकदाम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं, मैं इनको भी कह रहा हूँ, अपनी पार्टी के सारे लीडरान को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ और आपको भी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आज नवाज शरीफ ने हमेशा जो कहा है अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है। बोलो इस बात का गवाह हो या नहीं हो, करके दिखाया है या नहीं करके दिखाया है? दुआ करो अल्लाह ताला, तू मुसब्बिबुल असबाब है, तू रब्बुल आलमीन है, तू अरहमुर राहमीन है, तू हमारे हाल पे रहम फरमा।
हमारे मुल्क को कौम को मुसीबतों से नजात अता फरमा, हमारे घरों में खुशहाली के असबाब पैदा कर, हमारे बच्चों को रोजगार अता फरमा, बाइज़त रोजगार अता फरमा, हमें महंगाई से निजात अता फरमा, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमा और पढ़ लिख कर अच्छे और नेक शहरी बनने की तौफीक अता फरमा। इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है कि बाहर के लोग भी यहाँ आके काम करें तब भी बेरोजगारी यहाँ कभी पैदा नहीं होगी। रोजगार इतना हम जनरेट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे से हमसे जो लफ्जें हो गई हैं, जो गलतियाँ हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा। हमने जो गुनाह हमसे सरजद हो गए अल्लाह उनको भी माफ़ कर दे और हमारी तरफ नजर करम अता फरमा। या दिल से आमीन कहना भाई, दिल से कहना, दिल से। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जनाब आप अपना 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़े, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करें सुबह को और 100 मरतबा शाम को। लेकिन मैं अपना सुनता हूं बात को, तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पढ़ा करूं। मेरे पास भी तस्बीह है लेकिन तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूं जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी मुंह में राम राम ये मुझे नहीं आता। आप भी यही किया करो तो मुझे कोई कहता है आप सुबह भी पढ़े शाम को भी पढ़े 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। मैं एक वक्त मुकर्र कर लेता हूं कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है, या जिनके पास वक्त कम है वो 10 मिनट के लिए पढ़ें, पढ़ें खुशी और खुजू के साथ, अल्लाह से लौ लगा लें, पहले अल्लाह से लौ लगाएं, लौ लगा के फिर उसके बाद पढ़ें, दुआ मांगें, अल्लाह आपको वो अता करेगा जो आप उससे मांगेंगे। कहते हैं नदामत का एक आंसू, नदामत शर्मिंदगी, नदामत का एक आंसू जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है, जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है एक आंसू। आप सुबह तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त आप एक आंसू बहाएं अल्लाह को याद करके, देखें किस तरह से अल्लाह आपकी तकदीर बदलता है। ये मेरा कहा हुआ आजमाएं, जब पढ़े तो खुशू और खुजू के साथ पूरी तवज्जो के साथ, और 100 दफा नहीं पढ़ सकते तो आप 20 दफा पढ़ें, 10 दफा पढ़ें, 3 दफा पढ़ें, लेकिन पढ़ें खुशू और खुजू के साथ। वो 100 दफा उस 100 दफा पढ़ने से कहीं बेहतर है जहां आपकी तवज्जो कहीं और है, पर अल्लाह आप अल्लाह का नाम रहे हैं और दिल में आपका ये है कि दिल के अंदर आके खोट नहीं होना चाहिए। आज मेरी आपके साथ गुफ्तगू बहुत सालों बाद हुई है, अल्लाह ताला आप सबको, आपकी औलाद को, आपके बच्चों को, भाई बहनों को खैर और बरकत की जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको इज्जत की रोजी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको एक बहुत अच्छा फर्ज शनास पाकिस्तानी बनाए। देखें मेरे दिल से ये दुआएं निकल रही हैं आपके लिए,
और यही रिश्ता है मेरा आपके साथ, यही रिश्ता है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान शाबाश शाबाश।